नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आज के टॉप 10 हेडलाइंस पर। ओडिशा में दर्दनाक ट्रेन हादसा, 3 ट्रेन आपस में टकराई, 288 की मृत्यु, 900 घायल, मौत का आंकड़ा बढ़ती पर। पंकजा मुंडे की नाराजगी की खबरों पर महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का बड़ा बयान, चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा पंकजा मुंडे के खून में है बीजेपी। फडणवीस का दावा, बड़ी संख्या में सामने आए लव जिहाद के मामले, विवाहित व्यक्ति भी कर रहे गुमराह। अशोक गहलोत को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने की भविष्यवाणी, कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के लिए पीएम मोदी होंगे जिम्मेदार। नागपुर जिले में शुक्रवार रात करीब 8 बजे पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। विदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कम, बोले अजित पवार। अमेरिका में बोले राहुल गांधी, चौंका देंगे 2024 के नतीजे, सत्ता से बाहर होगी बीजेपी। रायगढ़ किले के पास बनेगी शिव सृष्टि, 45 एकड़ में 50 करोड़ की लागत से निर्माण, सीएम शिंदे की घोषणा। बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और पीएनबी का बड़ा झटका, कई बैंकों का कर्ज हुआ और महंगा। सेंसेक्स 119 अंक मजबूत, दो दिन से जारी गिरावट पर विराम।